शाहराओं की भी करते हैं, क्योंकि दो अहम शाहराएं हैं, एक जो बांडीपुरा के ऊपर वाले इलाकों को मिलाती है राजदान टॉप, वो तो बंद कल ही कर दिया गया था बर्फबारी के बाद। इधर श्रीनगर लेह शाहरा दोबारा से बंद हो गई है, ताजा बर्फबारी जोजिला के आसपास जब हुई है और मुसलसल जो बारिशें हो रही है निचले इलाकों में उसकी वजह से, और जम्मू श्रीनगर नेशनल हाईवे भी इस वक्त बंद है, और इन सब के दरमियान पिछले 24 घंटों के दौरान कुछ हादसात भी हुए हैं। ट्रेन सर्विस भी बारामूला बनिहाल सेक्शन के दरमियान, जहां इतलात के मुताबिक पानी जमा होने की वजह से मुतासिर हुई है, यानी बनिहाल बारामूला जो ट्रेन सर्विस थी, इसके अलावा डिगडोल के मकाम पर एक हादसा देर शाम पेश आया, जिसकी कुछ डिटेल्स हमने आपको रात ही के आपके सामने रखी थी, और अब जाकर मुकम्मल तौर पर कंफर्मेशन जो उसकी हुई है कि दो लोग पुलवामा से जिनका ताल्लुक था, दोनों की मौत हुई, जहां एक बोल्डर ट्रक के ऊपर चलते ट्रक के ऊपर लगा, गाड़ियों का एक बड़ा काफिला या यूं कह सकते हैं कि लंबा ट्रैफिक जाम नेशनल हाईवे के ऊपर परेशानी का सबब बन रहा है। इन सब के बीच जब रफ्तार धीमी पड़ रही है खराब मौसम की वजह से, तो खतरात भी काफी ज्यादा है। पुराने टनल से लेकर नए टनल के दरमियान ये हादसा पेश आया। दूसरी तरफ नेशनल हाईवे पर आज आप बिल्कुल सफर नहीं कर सकते, नदीम के पास भी चलेंगे, रामबन से हमारे साथ ज्वाइन करेंगे, सलीम वानी हमें ज्वाइन करेंगे, और ये जो तस्वीरें आपके सामने ये गांधरबल की है, जहां उसी मकाम पर लैंडस्लाइड आया है जो आपको एक महीने पहले हमने आपको बताया था कि इस पूरे इलाके के अंदर जमीन धंसने से चंद मकानात को नुकसान पहुंचा था। श्रीनगर लेह हाईवे बंद अपनी जगह, लेकिन इस रिहायशी इलाके के अंदर खतरा और बढ़ गया। ये इलाका जो है रजन का इलाका है, ये श्रीनगर सोनमर्ग रोड को जोड़ता है, लेकिन फिलहाल खबर यह है कि लैंडस्लाइड जो रजन के मकाम पर आया था उसकी वजह से श्रीनगर सोनमर्ग शाहरा जो है वो बंद कर दी गई है। एसडीएम कंगन, तहसीलदार और दीगर पुलिस और सिविल इंतजामिया के लोग जो है वो जाए मौके पर पहुंच चुके हैं। तमाम इब्तदाई खबरों के मुताबिक किसी तरीके के किसी जानी नुकसान की कोई इतला नहीं है, तमाम माली नुकसान कितना हुआ होगा उस सिलसिले में तफसीलात जो है वो जमा की जा रही है। ट्रैफिक को फिलहाल जिरपोरा रोड से डाइवर्ट कर दिया गया है, यानी जिन लोगों ने शहरा पर चलना है रजन वाले शहरा पर तो वो नहीं चल सकते, और जिरपोरा जो इसका एक जिग है जी, वहां से इसको डाइवर्ट कर दिया गया है। और इस तरीके से आज सुबह सुबह जो खबर सामने आई थी कि रजन के पास एक बहुत बड़ा मलबा जो है वो सड़क पर गिरा है, जिसकी वजह से अभी तक जो इतलात आ रही है किसी जानी नुकसान की खबर नहीं है, तमाम माली नुकसान कितना हुआ उसके लिए थोड़ा सा इंतजार करना होगा, लेकिन इंतजामिया की टीम जो है वो इस वक्त मुतहरिक नजर आ रही है और ग्राउंड जीरो पर आला सिविल और पुलिस एहलकार वहां पर पहुंच चुके हैं। कोशिश की जा रही है इस सन्मर्ग के शाहरा को खोल दिया जाएगा। श्रीनगर जम्मू कौमी शाहरा के हवाले से जहाँ आसिफ ने को पहले ही बता दिया कि सूरत हाल अभी इत्मीनान बख्श है, हल्की बारिशें जरूर सुबह हो रही थी, ताहम अभी तक गाड़ियों की रफ्तार जो है वो लगातार चल रही है। चलिए सबसे पहले सलीम वानी के पास चल रहे हैं, जो तस्वीरें आप देख रहे हैं जी सोनमर्ग की, जहां से खबर यह है कि जनाब पसी गिराई है, और क्या कुछ ताजा तरीन डिटेल्स उनके पास है। रजन का मकाम है जहां पर ये लैंडस्लाइड जो है वो एक बार फिर नीचे आ चुका है। बहुत शुक्रिया जी सलीम वानी साहब ज्वाइन करने के लिए। बताइएगा ये जो रजन ब्लॉक के पास ये खबर आ रही है कि श्रीनगर सोनमर्ग शाहरा को फिलहाल बंद कर दिया गया है, क्या कुछ मजीद अपडेट्स आपके पास है? जो पिछली वाली रात थी, रात को ही जो 12 बजे के करीब जो लैंडस्लाइड है, जो एक महीना डेढ़ महीना पहले जो लैंडस्लाइड आई थी, जहां पे 9 मकान दबे थे, जिसमें 3 बड़े रिहायशी मकान भी थे, एक सिंगल स्टोरी भी मकान थे, 9 मकान टोटल में दबे थे, आज वही स्पॉट था। रेजन का मुकाम है गुंड तहसील में, 11 बजे से ही लैंडस्लाइड स्टार्ट हुई है, और आज पूरी सुबह जो फजर की नमाज में जब लोग पूरी रात को जाग गए थे वहां पे, पूरी रात को कयामत बरपी थी वहां पे, क्योंकि अभी भी वहां पे 5-6 मकान है और लोग वहां से ऐसे ही देख रहे थे कि खुदा ना करे कि हमारे घरों को नहीं छेड़े टच करे, लेकिन अभी तक यही है कि पूरी तरह से जो श्रीनगर सोनमर्ग रोड बंद है, श्रीनगर लेह रोजला ऑलरेडी पहले ही बंद थी, ट्रैफिक एडवाइजरी भी आई थी कि 21, 20 और 21 को बंद रहेगा, लेकिन आज जो रात वाली रात थी कि लैंडस्लाइड जो आई थी, इसलिए सोनमर्ग रोड को भी पहले बंद किया गया। अगर किसी को इमरजेंसी है तो वाया जीरीपुरा रोड जो वहां पर लिंक रोड एक है इसके पीछे से वो यूज किया जाएगा पूरी तरह से। अभी जब हमने सुबह सुबह 5:30 बजे इसको अपडेट दिया तो पूरी एडमिनिस्ट्रेशन सब डिवीजन कंगन की, एसडीएम कंगन, तहसीलदार गुंड और पुलिस गुंड, पुलिस स्टेशन गुंड के जो अफसरान है वहां पे पहुंचे और इस टाइम भी वहां पे है, लेकिन अभी आहिस्ता आहिस्ता लोग बोल रहे हैं कि थोड़ी थोड़ी सी अभी भी ये निकल कर आ रही है ऊपर से जो लैंडस्लाइड आ रही है, लेकिन जो 9 मकान उसमें दबे थे आज तक उनको 1,33,000 रुपया उनको मुआवजा दिया गया है,
और लोग पिछले 1.5 महीने से यही गुहार लगाए थे कि हमको या तो यहाँ जो मकान बचे हैं या तो इनको यहाँ से शिफ्ट किया जाए, या तो जो मकान दबे थे उनको भी 1,33,000 रुपया से, जिनका आशियाना टूट गया, 3 मंजिला मकान जो 1,33,000 में कहां बन सकता है, और वहां पे जो निजी कंपनी है एप्को कंपनी टनल की, और उन्होंने ये बोला है कि अभी तक रिपोर्ट नहीं आया तब तक हम आपको मुआवजा भी नहीं देख सकते हैं। लेकिन अगर हिस्ट्री में देखा जाए तो आज तक ये पहाड़ कभी तक निकल नहीं आया था, लेकिन अब ये नहीं है कि टनल वालों की गलती है। काम शुरू हो गया है गांधरबल के अंदर, तब से लगातार ये खबर जो है वो सामने आ रही है कि इस तरीके से अब पहाड़ उतर कर नीचे आ रहा है, यानी मलबा जो है पहाड़ का वो नीचे खिसक रहा है, और कहीं ना कहीं जो टेक्निकलिटीज है टनल खोदने के दौरान उन्हें कहीं ना कहीं डाइवर्ट किया जा रहा है, बालाय ताक रखा जा रहा है, जिसकी वजह से रामबन से लेकर अब गांधरबल तक सूरत हाल यह बन रही है कि कब क्या होगा, पेशगोई करना या पेशगोई करना यह काफी मुश्किल है। सलीम आप बने रहिएगा हमारे साथ, जरा नदीम के पास भी चलते हैं। नदीम अपडेट करें, कल हमने देखा था कि बोल्डर गिरा था, 2 लोगों की मौत हुई है, बहुत ही मामला खतरनाक है, चंद लम्हात के लिए कौमी शाहरा को रोक भी दिया गया था, अभी जो सूरत हाल है कदरे बेहतर कल के मुकाबले में? जी बिल्कुल, देखिए गौहर साहब, सबसे पहले मौसम के हवाले से अगर बात करें, क्योंकि पिछले 2 दिनों हमने देख बारिश काफी ज्यादा हुई, मूसलाधार बारिशों के सबब श्रीनगर जम्मू नेशनल हाईवे पर कहीं मकाम पर अगर हमने देखा कि छोटे पैमाने पर पत्थर गिरने का सिलसिला देखने को मिला, लेकिन गाड़ियों के आमदोरफ्त से मुतासर न हुई। लेकिन कल शाम होते होते पंचाल के मकाम पर जो टनल फेस है उस पर पत्थर गिरने की वजह से गाड़ियों के आमदोरफ्त अगर कुछ वक्त के लिए बंद हुई थी, लेकिन आज गाड़ियों के आमदोरफ्त मुकम्मल बंद है, क्योंकि अभी हम देख रहे हैं कि हिंगनी का मकाम है, हिंगनी नाकलाना, जहां पर बस्तियां सड़क पर उतर आई है, और कहीं ना कहीं कोशिश तो की जा रही है कि हम इनको क्लियर करें, लेकिन वक्त लगेगा। वहीं अगर हम मौसम के हवाले से बात करें, क्योंकि कल जिस तरह से हमने देखा बारिशें हो रही थी, लेकिन आज सुबह सुबह अगर मतलब अबर आलूद है, बादल घने छाए हुए हैं, लेकिन बारिश जो बरसने का सिलसिला है वो रुका हुआ है, कहीं ना कहीं हम देख रहे हैं कि प्रेडिक्शन में भी ये चीजें बताई गई है कि मौसम में थोड़ी बहुत बेहतरी देखने को मिलेगी, वो तमाम चीज उस समय देखने को भी मिल रही है। लेकिन हाईवे का जहां हाल है वो भी बेहाल है, जहां पर हिंगनी के मकाम पर पत्ते गिराने की वजह से गाड़ियों के आमदोरफ्त बंद है, जो भी स्टैंडर्ड व्हीकल्स इस पर हाईवे पर है उन तमाम को सेफ जोन की तरफ मूव किया गया है, क्योंकि कल हमने देखा था कि रात देर गए डिगडोल समाधि मोड़ के मकाम पर मकसूद और नवी जो पुलवामा के 2 लोग थे, एक ट्रक को पत्थर लगने की वजह से अपनी जान गंवा बैठे, तो इन तमाम चीजों को मद्देनजर रखते हुए जो भी गाड़ियां सुरक्षित हाईवे पर है उन तमाम गाड़ियों को बारिशें भी हो रही है अभी, इस तरह की इत्तलात है, और कल और परसों भी प्रेडिक्शन है बारिशों की, कोई इम्कान है कि हाईवे आज ही ओपन हो पाएगा, और अगर खुलती है तो क्या फर्स्ट प्रायोरिटी पे ये जो धर्मांधा गाड़ियां हैं उनको छोड़ा जाएगा, फिलहाल जो सेफर प्लेसेस पे आप कह रहे हैं मूवमेंट की जो अभी तक कराई गई है? जी बिल्कुल, देखिए आपकी उम्मीद तो है कि आज दोपहर तक रोड को रेस्टोर किया जाएगा, मोटरेबल बनाया जाएगा, लेकिन सवाल ये है क्योंकि हमारे पास सिंगी का मकाम नहीं है, हमारे पास और भी कहीं मकाम था, अगर मौसम फिर से करवट लेता है, बारिश बरसने का सिलसिला अगर दोबारा से जारी होता तो हमारे पास अनप्रेडिक्टेबल है कि कहाँ पे कौन सी जगह इस वक्त बंद हो जाए, क्योंकि हमने देखा कि पिछले दिनों शेरबीबी का मकाम हो, हमारे पास रामसू का मकाम हो, या फिर पंथियार में शूटिंग स्टोन का सिलसिला, या फिर निहाड़ का मकाम हो, कैफेटेरिया मोड़ का मकाम हो, ऐसे काफी सारे मकाम आते हैं जहाँ पर पत्थर और पत्थर गिरने का सिलसिला कब किस वक्त शुरू हो जाए किसी को पता नहीं होता, और खतरा अब भी बरकरार है। आप हमारे साथ रहेगा, अब नॉर्थ कश्मीर भी चलते हैं, क्योंकि जब एडवाइजरीज की बात हो रही थी तो राजौरी पुंछ के साथ साथ डोडा किश्तवाड़ और इसके अलावा गांधरबल और लिस्ट में बारामूला भी था जहां इंतजामी ने वार्निंग जारी की, बारामूला की क्या सूरत हाल है? इरशाद हमारे साथ हैं, इरशाद बालाई इलाकों के अंदर राबता भी मुनक़ता हुआ, इस तरह की इतलात है दूरदराज इलाकों को जोड़ने वाली जो सड़कें थी वहां पर छोटी मोटी जो लैंड स्लाइड थी उसने राबतों को मुतासर किया है, और निचले इलाकों में क्या बारिश किसी हद तक कम हुई है, ये भी कहा जा रहा था कि बहुत सारे इलाकों में तुफानी जैसा माहौल है। जी बिल्कुल आसिफ, अगर हम जिले बारामूला की बात करें, क्योंकि जिले बारामूला के साथ साथ मुख्तलिफ इलाकों की बात करें, क्योंकि लगातार जो है मूसलाधार बारिशें हो रही है और इस वक्त भी बारिशें लगातार हो रही है, और देखा जाए दरियाए जेलम की जो पानी की सतह है वो बढ़ती हुई दिखाई दे रही है, जहाँ पे बेड जो मार दिया हुआ है हालांकि डिपार्टमेंट की तरफ से उससे ऊपर जो है पानी आ चुका है, क्योंकि जो दरियाए जेलम के नजदीक जो इलाके पड़ते हैं फजबाग की बात करें या जतिक की बात करें, इसके साथ साथ खानपुरा तरंगपत जो मकान वहां पे बनाए गए दरिया जिनके नजदीक, हालांकि उनको काफी खतरा रहता है, और देखा जाए जिला इंतजाम की तरफ से यहाँ पे जो एडवाइजरी जो है वो जारी अभी तक नहीं की है, बल्कि अभी थोड़ी देर पहले जो है हमने कंट्रोल रूम बारामूला के साथ रहा किया तो उनका ये कहना था कि 1 घंटे के बाद बाजाबता तौर पर जो है हम आपको इतना देंगे, और इसके साथ साथ देखा जाए क्योंकि नदी नालों की बात करें या किनारों की बात करें या
जो यहाँ पे जो दरिया के जो लिंक्स हैं हालांकि उनमें जो है काफी जो है पानी बढ़ चुका है। और अगर अच्छा अर्शाद, ये तो नॉर्मल में कहा गया कि 2000 से 2800 से 3,500 के फीट की बुलंदी पर जो लोग हैं वहां पर खतरात काफी ज्यादा है। आप जिस तरीके से बता रहे हैं कि सतह आब में अचानक इजाफा हुआ, निचले इलाकों में भी टाउन के आसपास एक बड़ी आबादी रहती है, वहां पर भी किसी तरह की एडवाइजरीज हैं आइंदा 12-24 घंटों के लिए? महकमा मौसमियात की पेशनगोई के मुताबिक 21-22 को भी बारिश और हो सकती है? देखिए बिल्कुल, अगर देखा जाए क्योंकि डिपार्टमेंट ने पहले से ही कहा है, अगर हम पिछले साल की बात करें या इस साल की बात करें, लगातार ये कहा जा रहा है कि जो मकान है वो इन यहाँ से हटाओ, यहाँ पे मत बनाओ, क्योंकि देखा जाए जिले बारामूला के जो नजदीकी इलाके हैं, चाहे हम मैंने पहले भी बताया खुजबाग की बात करें या जदी की बात करें, जो बिल्कुल जेलम के किनारे पे वाक है, हालांकि वहां पे काफी डर रहता है और वहां पे काफी खतरा रहता है, और इस वक्त भी जो है ये बारिश हो रही है। और देखा जाए गंडी इलाकों की बात करें जहाँ पे मौसमदार बारिश की वजह से जो है क्लियर बात है कि महकमे मौसमियात की पेशन गोई अपनी जगह है। दरिया जानिम की सतह में जो है पानी की सतह में थोड़ा सा इजाफा जरूर देखने को मिल रहा है, लेकिन सिचुएशन इज अंडर कंट्रोल। इरिगेशन फ्लड कंट्रोल डिपार्टमेंट के आला तरीन अफसरों की तरफ से इस बात की वजाहत कर दी गई है, और जो गेज रीडिंग सुबह 3 बजे सामने आई है उसमें यह साफ कर दिया गया है कि फिलहाल पानी की सतह जो है वो कंट्रोल में, और इस तरीके से तो उसमें अभी जनाब इस तरीके की कोई सूरत हाल नहीं है कि कहीं पर सूरत हाल बदल सकती है। तहम सूरत हाल क्या है वो ये है कि ईद उल फितर के पेश नज़र मौसम ने करवट ली है, कहीं पर हल्की बारिशें, कहीं पर हल्की बर्फबारी, और इस बर्फबारी और बारिश के बीच बाजारों से रौनक मुकम्मल तौर पर गायब हो गई है। श्रीनगर जम्मू शोरा पर अगर आप सफर कर रहे हैं तो ट्रैफिक कंट्रोल यूनिट के साथ रबते में रहिएगा।